कि सर यासिन मलिक की के ऊपर जो कार्रवाई हुई या कोर्ट ने कार्रवाई की है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, जिस तरह से उन्हें उम्र कैद मिली है? देखिए, यासिन मलिक ये एक गुनहगार आदमी है, ये कोई गांधी जी नहीं है। इसने बहुत से गुनाह किए हुए हैं, एक थोड़ा है कि नाम हम गिनाए। तो सबसे पहला गुनाह तो देशद्रोह का है। एक आदमी 80 के दशक में यहां से कश्मीर से पाकिस्तान जाता है और वहां जाके शेख रशीद के फार्म हाउस में जाके 2000 लोगों के साथ में वो ट्रेनिंग करता है, फिर उनको लेके आता है कश्मीर में और दहशतगर्दी फैलाता है। और साथ में दूसरा कि वो लोग जो वहां की जो पॉपुलेशन थी, हमारे जो बच्चे थे उनको बरगलाता था। साथ साथ में दूसरा बड़ा जो उसका संगीन जो वो था, वो एयरफोर्स के 4 अफसर खड़े थे, उनको उनकी निर्मम हत्या की। एक अफसर जो स्क्वाड्रन लीडर खन्ना है, उसको तो पता नहीं कितनी 20-30 गोलियां मारी थी। और उसके बाद में उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी बेटी रुबिया को उसको अभी उसके अगवा करने के लिए उसने किया। और ये सब करने के बाद में वो अपने आप को कहने लगा कि बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। वो कैसा कि कहने लगा कि मैं गांधीवादी हो गया हूं, अभी मुझे माफ कर देना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने गुनाह किए। अरे कत्ल करने, इतने कत्ल करने के बाद में, देश के द्रोह करने के बाद में आप कहाँ जा सकते हो? तो मैं ये कहूंगा कि जो उसको सजा मिली है वो बिल्कुल दुरुस्त सजा मिली है, लेकिन कम मिली ही है। उसको सजा और मिलनी चाहिए, ये तो एक गुनाह के लिए ही मिली है सिर्फ उसको सजा। और कौन सा? वो टेरर फंडिंग के लिए मिली है उसको, जो बाकी वाले संगीन जो जो उसके जुर्म है मैंने आपको बताया, उसकी तो मिलेगी नहीं उसको सजा, वो कब मिलेगी? मैं तो कहता हूं, जब मैंने आज से 2 साल पहले मैंने बहुत से चैनलों के बीच में, टीवी चैनल्स के बीच में ये कहा था कि यासीन मलिक के ऊपर में केस चले, और मैं बहुत खुश हूं कि जो मैंने आज से 3 साल पहले या 2 से 3 साल पहले कहा था वो चीज हुई, केस चला, दुरुस्त चला, और उसके ऊपर में पहली बार ऐसी एक्शन हुई है। तो मैं कहूंगा मैं बहुत खुश हूं, ये बहुत इंसाफ हुआ है, क्योंकि अभी तक बेइंसाफी हो रही थी। जो कश्मीर के बीच में कश्मीरी पंडितों का जो मैं बोलता हूँ नरसंहार हुआ था और उसके बाद में पलायन हुआ था, उसका भी ये एक एक बहुत ही बड़ा नुमाइंदा है। इसने ही दहशतगर्दी फैलाई थी, इसने ही बाकी अपने जो गुर्गे छोड़ के रखे हुए थे, तो उस आदमी को जिन्होंने कश्मीरियों का जो घर था वहां से बेघर कर दिया, मासूमों को कत्लेआम कर दिया, तो उस वो आदमी आज कहता है ये मेरे लिए सजा, ये गलत है, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं तो गांधी के प्रिंसिपल पे चलता था। अरे क्या बात करते हो आप? आपको तो पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिला हुआ था, जो पहले पार्टियां थी, चाहे वो एनसी थी, पीडीपी थी, इन्होंने तो आपको बचा के रखा, कांग्रेस ने आपको अपना गुर्गा बना के रखा। आप जाके तो सोनिया गांधी से मिलते थे, आप मनमोहन गांधी प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, और इसीलिए उन्होंने शायद तुमको बचा के रखा हुआ था, क्योंकि वो अपना मतलब साधना चाहते थे जम्मू कश्मीर के बीच में। लेकिन ये वो वक्त नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, यहां नया प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये एक नया शासन है जिसके बीच में कोई भी जो गलत काम करेगा उसके ऊपर में सजा देने के लिए कोई कतरापन नहीं होगा। और ये बिल्कुल ठीक किया है, मैं तो मुबारकबाद देना चाहता हूं मौजूदा गवर्नमेंट को, मैं साथ में जजेस को, एक एक जो जुडिशरी है उसको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि क्या आपने पहले खौफ में हमारे जजेस को डराया जाता था, जज हाजिर नहीं होते थे, कितना अच्छा लग रहा है आज। मैं बोलता हूं सिर्फ मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा, मेरे पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, हमारे देशवासियों को आज एक लग रहा है हम एक फ्रीडम आप ऐसे देश में हैं जहां पर सब कुछ जो कानून के तरह चलेगा, चाहे वो कानून को बिगाड़ने के लिए कोई मंत्री होगा, मंत्री की भी संतरी जाएगी, उसका गर्दन भी जाएगी। ये आज एक इसको मैसेज दिया हुआ है। तो मैं ये कहूंगा कि
बहुत अच्छा हुआ है ये, लेकिन साथ साथ में ये मैं गुजारिश करूंगा कि जो बचे हुए केस हैं उसके लिए ये तो सिर्फ उम्र की सजा हुई है, उसके लिए अगर इसको और भी ज्यादा सजा देनी पड़े तो उसमें कोई ढीलापन ना किया जाए। लास्ट में मैं यही कहूंगा जो कश्मीर के में ये अभी इसका एक 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 स्पाइरल देने की कोशिश की जा रही है, जो बुरहान वानी के टाइम पे सोच रहे थे कि हम जी उसके बाद में दहशत गर्दी बढ़ गई थी, वो एक ड्रामा कराया जा रहा है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ सिर्फ इसके यासिन के लोगों का नहीं कराया जा रहा है, जिनके हाथों से अभी मैं सियासत गायब होती जा रही है, NCPDP वगैरह ये अंडरग्राउंड तरीके से उसको शायद मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग वहां माथा पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि शायद बुरहानी जैसा वो बुरहान वानी जैसा समय आएगा। नहीं 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 नहीं, खत्म हो गया वो जमाना, आज वो जमाना नहीं है, ये मोदी जी का जमाना है, ये एक नए हिंदुस्तान का जमाना है, ये 370 के बाद का जमाना है। और मैं बताऊंगा कि इसके बीच में वो तो क्या, अगर पुराना कोई चीफ मिनिस्टर ने भी कोई ऐसा किया होगा वो भी जाएगा जेल में। ये है नया।